ब्लड बैंकों में रक्त की अत्यधिक कमी को देखते हुए जीवनधारा ग्रुप द्वारा पुलिस थाना परिसर मनावर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और उसके द्वारा निशुल्क ब्लड ग्रुप टेस्ट भी किया गया। रक्तदान शिविर में एकत्रित रक्त का उपयोग थैलेसीमिया मरीज के लिए और कई इमरजेंसी केस में किया जाएगा। शिविर में रक्तदान ग्रुप द्वारा प्रत्येक रक्तदाता को एवं मनावर के पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर में धार ब्लड बैंक टीम एवं बड़वानी ब्लड बैंक की टीम के द्वारा रक्त का संग्रहण किया गया। शिविर के अंत में ग्रुप के सदस्यों को ब्लड बैंक के दोनों टीम के द्वारा सम्मानित किया गया। संचालक शुभम कुशवाहा ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक करें, जिससे कभी किसी को रक्त की इमरजेंसी आवश्यकता हो तो रक्त के लिए भटकना ना पड़े। कुशवाहा ने बताया कि ग्रुप के रक्तदाता न केवल रक्तदान शिविर में रक्तदान करते हैं बल्कि इमरजेंसी परिस्थितियों में आगे रहते हैं। शिविर में रोहन कुशवाहा, धर्मेंद्र राजपूत, शुभम पाटीदार, शिवम कुशवाहा, आनंद कुशवाहा, राजेश वर्मा, विष्णु कुशवाहा, मोतीलाल पाटीदार आदि का सहयोग रहा एवं सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। आज मैंने रक्तदान किया है और मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि नए और आगे आए। धन्यवाद। जीवन धारा रक्तदान ग्रुप के द्वारा आज थाना परिसर मनावर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कुल 40 यूनिट रक्तदान एकत्रित हुआ, जो कि थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसे बच्चों को दिया जाएगा। यह रक्त धार और बड़वानी जिले की ब्लड बैंक को दिया जाएगा। इस रक्तदान शिविर में निःशुल्क ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट भी किया गया, साथ ही SDM, तहसीलदार, SDOP, BMO सर और पत्रकार बंधु उपस्थित थे। सभी रक्तदाताओं को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मनावर से संवाददाता कुलदेव सिंह चौहान की रिपोर्ट।